कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज सढौरा थाने में सभी धर्म के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी आने वाले दिनों में त्योहारों को लेकर। ये मीटिंग SHO सढौरा श्री धर्मपाल जी के द्वारा बुलाई गई थी। क्या कुछ होता है इस मीटिंग में देखिए। जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका मकसद सिर्फ ये था कि दोस्तों कि जैसे आने वाले दिनों में अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं, सबसे पहले बकरा ईद है 10 तारीख को, और उसके साथ साथ अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की मीटिंग SHO साहब के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें लगभग सभी धर्म के लोगों को न्योता दिया गया था आने का। और इसका मकसद सिर्फ यह था कि जिस प्रकार से आजकल हालात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शरारती तत्व बीच में बढ़ के ऐसा कोई माहौल उत्पन्न कर दे जिससे इलाके का माहौल बिगड़े। तो इसी सब बातों को सामने रखते हुए SHO साहब ने लोगों से अपील की कि अपने अपने जो भी त्यौहार हैं उनको अच्छी तरह प्यार से सद्भाव से सेलिब्रेट करें, किसी की भावनाओं को आहत ना करें, इस प्रकार को कोई कार्यकृत्य ना हो कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और इसमें एक बात SHO साहब ने और कही कि जो लोग आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए भी पुलिस का सहयोग करें, इलाका वासियों से अपील की है। और भी जो बुराई है उसको लेकर भी लोगों से अपील की है कि हमारा साथ दें, पुलिस का साथ दें, पुलिस आपके साथ है, ये भी बात SHO साहब ने कही है। तो लोगों से यही अपील की गई है कि एक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए आप अपना पूरा सहयोग पुलिस के साथ दें और अपने खुद भी अपने स्तर पर पूरी एक नज़र बनाए रखें। बने रहें दोस्तों इस वीडियो के साथ और देखें कि क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में हुई है। कोई रिपोर्ट कर लो आप। तो दोनों धर्मों के लोग तो है ही हमारे पास यहाँ बैठे हैं। ईद है 10-11-12 को चलेगा, 11-12 को चलेगा सर, 10-11-12 कावड़ है हमारा, वो तो लंबा चलेगा, 14 हाँ तो लंबा चलेगा। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है हमारी, तो भाई दोनों धर्मों की इज्जत करें आपस में, जैसे पहले रहते आए हैं मिल मिला के, यही सभी बड़े बड़े हैं, सभी यही जन्म स्थान एक है सबका, ठीक है। कोई ऐसी भावना ना हो किसी के धर्म के प्रति, गलत ना बोला जाए, तो सभी समझदार बैठे आप लोग, मैं तो क्या समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सरपंच साहब बताओ आप। मुस्लिम बात यही है, अभी तमाम मुस्लिम भी कह रहे थे कि धर्म तो कोई नहीं सिखाता, आपस में लड़ो, प्रेम प्यार से रहो। और हमारा तो कल्चर यहाँ ऐसा है कि अगर हम किसी मुस्लिम भाई को देख लें तो हम पहले सलाम बोलते हैं, और मुस्लिम भाई हम तो देख ले वो राम राम बोलता है। इसी तरह भाईचारा बना रहा सभी का, और प्रेम प्यार से रहे, यही है जी। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं रही, राजनीति की बातें वो अलग है, हमको ना ले हम पहले भी मनाए जा रहे हैं। हमारे दिलावर जी हैं, ये दिवाली बड़े चाव से मनाते हैं और हम भी ईदगन के घर जाते हैं, सभी यहाँ तो भाईचारा है। इन त्योहारों में कोई खलल ना डाले, अगर कोई आप लोगों को पता लगे तो उसको समझाओ भी ऐसी हरकत नहीं करनी भाई, जिससे दोनों धर्मों में समाज में बंटवारा हो, कोई आपस में खींचतानी पड़े, ये नहीं होना चाहिए हमारे इलाके में। वैसे तो पूरे देश में ही नहीं होना चाहिए कहीं भी। बैठ जाओ भाई, ठीक है जी। और यहाँ तो ऐसी कोई बात है थोड़ा सा उनको भी हमने समझाना है। और उनका खर्चा भी टोटल पुलिस विभाग या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो बैंक करता है उसके नौजवान पीढ़ी इसमें डूबती जा रही है और खत्म हो रही है, जैसे तो वो भी यहाँ पे हो तो मौके के ऊपर उसकी का भी बेनिफिट मिलता है कि लोग समझते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर 70% दुकानदार बैठे हैं, दुकानदार इतनी आसानी से किसी झगड़े में जाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये यंग जनरेशन के लड़के जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यंग ही बात है, वो पढ़े रहते हैं कहीं खुड्डे में, कहीं कोनों में बैठे रहते हैं, पीछे रहते हैं, 25 लड़के हैं, तो
आपस में सरपंच मंत्राम जी शहर वासियों इलाके के वासियों, एक तो आप बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने पहले जो हमारे यहाँ पर खाना प्रभारी रहे उनसे बात की कि हमारे यहाँ एक टॉयलेट होना चाहिए, यहाँ पे एक दिनाना एक मर्दाना खाने में, हाँ खाने नहीं, खाने से बाहर गली में बनवा दो, जहाँ ये आपका पिस्टल है इसके साथ में बाहर भी पास नाला चलता है वहाँ पर बनवाना चाहिए, क्योंकि इसके इसके लिए बहुत दुखी हैं। और एक ये वाहन जो है ना आपके, ये यहाँ खड़े होते हैं, इनका प्रबंध किया जाए, चाहे तो वहाँ पे अपने स्टोर है जहाँ आपका क्वार्टर है वहाँ पे खड़े करें, यहाँ पे गली इसमें जो है ना रोड में दिक्कत होती है, जेसीबी खड़ी है, जेसीबी खुली सड़क है। और दूसरे जैसे अभी हमारा वन महोत्सव मनेगा, इसमें पेड़ लगवाए हैं इस रोड के ऊपर, कम से कम ये जो डेयरी है ना यहाँ तक तो होने चाहिए छायादार, ये मेरा सुझाव है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा भी दोस्तों लोगों ने अपने कुछ सुझाव SHO साहब के सामने रखे, और कुछ जो समस्याएं हैं शहर की उनसे भी SHO साहब को अवगत कराया। तो फिर हमने बातचीत करने की कोशिश की, SHO साहब ने क्या कहा है इस पूरे मामले को और किस लिए मीटिंग बुलाई गई, तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमने SHO साहब से बात की। आज हमने हमारे इलाके के गाँव के व शहर के कस्बों के पीस कमेटी की मीटिंग ली है, जिसमें सभी समुदायों के लोग थे, और हमारे आने वाले त्यौहार बकरा ईद व कावड़ यात्रा के बारे में दोनों समुदायों से हमने सहयोग की अपील की है, सब दोनों समुदायों ने हमें पूरा सहयोग देने के बारे में आश्वासन दिया है, व हम अपने इलाके में शांति बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का हुड़दंगबाजी नहीं होने देंगे, इस बारे में हमें पूरा सहयोग मिला है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, धन्यवाद।